नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के एफटीआर सीरीज में आपका स्वागत है। और इस एफटीआर सीरीज में भारत का भूगोल विषय लेकर मैं हूं आपके साथ अगाल सिंह। एफटीआर सीरीज के अंतर्गत भारत के भूगोल विषय पर आधारित यह तीसरा वीडियो है और इस वीडियो पर हम अपहतंत्र, झील एवं नदी परियोजनाओं पर आधारित एमसीक्यू को डील करेंगे। एमसीक्यू डील करते समय हम एग्जाम के पैटर्न को पहचानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट कंटेंट को भी पहचानने की कोशिश करेंगे जिस पर सामान्य तौर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न आधारित है अपवाह तंत्र पे। पहला प्रश्न क्या कहता है? गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी पर आधारित यह पहला प्रश्न है और प्रश्न है गंगा नदी उदाहरण है और ऑप्शन में हमें चार अपवाह तंत्र का नाम दिया हुआ है, पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का एवं परवर्ती अपवाह का। देखिए, गंगा नदी हिमालय की नदियों का एक भाग है। हिमालय की नदियों की एक विशेषता होती है, वह यह होती है कि हिमालय में जो नदियां हैं या जो हिमालय के अपवाह तंत्र हैं, ये पूर्ववर्ती होते हैं या फिर एंटीसीडेंट होते हैं। पूर्ववर्ती एवं एंटीसीडेंट रिवर सिस्टम कहने का क्या तात्पर्य है ये समझने के लिए हम इस इमेज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? सामान्य तौर पर ये इमेज दो डेवलपमेंट को शो कर रहा है। जो सबसे पहला डेवलपमेंट हमारे सामने है उसमें क्या दिख रहा है कि एक नदी बह रही है और नदी जिस स्थल पर या जिस भू आकृति पर बह रही है वो आकृति क्या है? सपाट है। क्लियर है? और जब समय आगे बढ़ता है और अगला डेवलपमेंट आता है तो अगला डेवलपमेंट हमें क्या दिख रहा है इस इमेज में कि यह जो स्थल आकृति, यह तो जो सतह था वह क्या हुआ, यह स्थल आकृति ऊपर की ओर उड़ गई या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक मोड़दार पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गई। लेकिन अगर हम नदी मार्ग पर नजर डालें तो नदी मार्ग पर हमें किसी भी विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं दिख रहा है। नदी मार्ग जो पहले था, जब यह भू आकृति या जो सतह था वो सपाट था तब भी यही नदी मार्ग था और जब यह भू आकृति ऊपर की ओर उठी या फिर फोल्डेड माउंटेन बना या फिर वलित पर्वत बना तब भी यह नदी मार्ग इसी तरीके से बना हुआ है और यही है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसा अपवाह तंत्र या ऐसी नदियां जो भू आकृतियों की वजह से अपना मार्ग नहीं बदलती, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसी नदियां, किसी भी स्थल पर बहने वाली ऐसी नदियां जो उस स्थल पर बनी हुई भू आकृति के पूर्व से ही वहां पर उपस्थित थी। क्लियर है? ऐसी नदियों को हम पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र या पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। अब सामान्य तौर पर यह पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र हिमालय की नदियों के द्वारा बनाया जाता है। उसके पीछे कारण यह है, जितनी तेज गति से नदियों ने अपरदन किया है, इरोजन किया है, उतने तेज गति से इस हिमालय का या भू आकृति का उत्थान नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है कि नदियों के द्वारा जो इरोजन है, अपरदन है, रेट ऑफ इरोजन वह क्या है? ज्यादा है। किससे? हिमालय के रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट से। उत्थान के दर से, हिमालय के उत्थान के दर से नदियों के द्वारा अपरदन का दर ज्यादा है। इस वजह से हुआ क्या कि जब ये भू आकृति ऊपर की ओर उठते जाएगी तो नदियां क्या करते जाएंगी, उसे इरोड करते जाएंगी, इरोजन होता जाएगा, अपरदन होता जाएगा। क्लियर है? तो हिमालय की नदियों में हम ये विशेष प्रकार की विशेषता देखते हैं और इस कारण से हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण बन जाती है। अब चूंकि गंगा नदी भी हिमालय नदियों का एक भाग है और इस कारण से गंगा नदी भी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। सामान्य तौर से प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अनुवर्ती होती हैं या फिर कॉन्सिक्वेंट रिवर सिस्टम शो करती है। कॉन्सिक्वेंट रिवर सिस्टम, क्लियर है? ये पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का विपरीत स्वरूप है। कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियां सामान्य तौर से उस प्रायद्वीपीय भारत की स्थल आकृतियों पर ज्यादा निर्भर होती है। जैसे स्थल आकृतियां निर्मित हुई, उन स्थल आकृतियों के प्रभाव से नदी मार्ग के जो दिशा थे, जो दशा थी, वो दोनों क्या हुई, परिवर्तित होते रहे। क्लियर है? इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अनुवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण के अंतर्गत देखा जाता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न गंगा नदी पर ही आधारित है। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। चार कथन हमारे सामने दिए गए हैं और इन कथनों पर आधारित कूट रूपी हमें ऑप्शन भी दिया गया है। उत्तर आप यहां पर देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी आपको क्या मानकर चलना है कि आपको इस स्टेटमेंट के आधार पर सही आंसर आपको खोजना है। क्लियर है? चलिए, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग की बात हो रही है, इस इमेज पर हम चले आते हैं। देवप्रयाग आपको कहां पर दिखा? ये रहा देवप्रयाग। क्लियर है? ये रहा देवप्रयाग। और देवप्रयाग में किन नदियों का संगम हो रहा है? तो आप इस बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा को देख सकते हैं एवं गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी को देख सकते हैं। तो देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम होता है। चलिए देखते हैं, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अलकनंदा एवं भागीरथी। दूसरा कथन कहता है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। चलिए, रुद्रप्रयाग की बात हो रही है, ये रहा रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में आपको केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी एवं अलकनंदा का संगम होता हुआ दिखेगा। इस प्रकार से जो दूसरा कथन है वह भी बिल्कुल सही है। तो हमारे सामने ये दो कथन सही आ गए, पहला कथन एवं दूसरा कथन। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, तो इस पर भी आप नजर डाल ही लें। अलकनंदा कहां से निकलती है? बद्रीनाथ से। मंदाकिनी कहां से निकलती है? केदारनाथ से। एवं भागीरथी निकलती है गंगोत्री से। क्लियर है? तो अलकनंदा का उद्गम हो रहा है बद्रीनाथ से, और इस प्रकार से तीसरा कथन भी हमें सही दिखता है। चौथा स्टेटमेंट कहता है, केदारनाथ आदिनाथ शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। यह स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों? क्योंकि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठों में से एक पीठ बद्रीनाथ में है, केदारनाथ में नहीं है। केदारनाथ में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, लेकिन पीठ नहीं है। और इस कारण से यह जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। और जैसे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इन सभी को आप काट दें जहां पर चौथा स्टेटमेंट दिया गया है। क्लियर है? देखिए, ये एक एलिमिनेशन का मेथड है। एलिमिनेशन का मेथड क्या कहता है कि जरूरी नहीं कि आपको सही उत्तर पता हो। अगर आपको ये पता है कि फलाना ऑप्शन या फलाना उत्तर गलत क्यों है, तो उसे हटाते जाइए गलत वाले को, और आप ऑटोमेटिकली सही वाले ऑप्शन के पास में पहुंच जाएंगे। तो जिस प्रकार से आपको पता है कि चौथा कथन गलत है, तो जिस ऑप्शन में चौथा कथन दिया गया है उसे आप हटाना शुरू कर दीजिए। जैसे ऑप्शन डी को आपने हटा दिया, ऑप्शन सी को आपने हटा दिया, और ऑप्शन बी को आपने हटा दिया, क्योंकि इन तीनों ही ऑप्शन पर चौथे कथन को सम्मिलित किया गया है। और उसके बाद एक ही ऑप्शन आपके पास बच जाता है, शेष रह जाता है, और इस प्रकार से यही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? सही उत्तर बन जाता है। क्लियर है? हालांकि इस तरह के क्वेश्चन पर या इस क्वेश्चन पर एलिमिनेशन करके बहुत ज्यादा लाभ आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस एलिमिनेशन के तरीके से कई सारे प्रश्न सॉल्व किए जा सकते हैं। इसे आप अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस पर अप्लाई करके जरूर देखेंगे, आपको अंतर स्वयं पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न कहता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर आधारित है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? यहां पर चार ऑप्शन है, तीन नदियां दी गई है। ब्रह्मपुत्र नदी, सॉरी इस स्पेलिंग को आप नजरअंदाज कर लेंगे, समझ पा रहे होंगे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। सतलज, सिंधु एवं उपयुक्त सभी। तो कौन कौन सी नदियों का उद्गम हमें तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास देखने को मिलता है? क्यों ना हम इस इमेज का इस्तेमाल करें। ये रहा भारत का मानचित्र और नदियां यहां पर नीले रंग से आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये वाला जो भाग है, हिमालय का उत्तर वाला भाग या नेपाल तिब्बत वाला भाग, ये है, ठीक है। और जब हम मानसरोवर झील की बात करते हैं तो वो हमें किस इस स्थान के आसपास दिखता है। क्लियर है? चलिए, प्रश्न पूछा गया है, कौन कौन सी नदियों का उद्गम इस मानसरोवर झील के पास से होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम सिंधु नदी की बात करते हैं। ये आपको सिंधु नदी दिख रहा होगा, ठीक है। उद्गमित होने के बाद सिंधु नदी क्या करती है?
अपने उत्तर पश्चिम दिशा पर बहती है और काराकोरम, लद्दाख, झस्कार या ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र से बहते हुए आगे बढ़ जाती है। क्लियर है? जिस स्थान से सिंधु नदी का उद्गम होता है उस स्थान या उस हिमानी को कहा जाता है बोखर चु। क्या कहा जाता है? बोखर चु। क्लियर? तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के समीप होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यह नदी, ये कौन सी नदी है? यह सतलज नदी है। क्लियर? और यह सतलज नदी, इसका उद्गम होता है राकस ताल झील से। राकस ताल झील से। और यह झील भी स्थित है कहां पर? तो यह स्थित है मानसरोवर के समीप। तो सिंधु और सतलज दोनों का ही उद्गम कहां से होता है? मानसरोवर झील के समीप से होता है। फिर उसके बाद ये पूर्व की दिशा में बहती हुई नदी आपको दिखेगी सांको नदी, और जो भारत में प्रवेश करने के बाद बन जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। और इसके उद्गम स्थान पर अगर हम बात करें तो इसका उद्गम भी इसी मानसरोवर झील के निकट होता है। और जिस स्थान पर इसका उद्गम होता है, यहां पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, उसका नाम है चेमयांगदुंग ग्लेशियर। ठीक, ग्लेशियर से होता है, हिमानी से होता है। तो देखा जाए तो मानसरोवर झील के समीप सिंधु नदी, सतलज नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी, इन तीनों ही नदियों का उद्गम हमें देखने को मिलता है। और इसलिए इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि इन तीनों ही नदियों के उद्गम स्थान को हमने मानसरोवर झील के निकट देखा। क्लियर है? तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अभी तक आप किस तरह से अपवाद तंत्र को पढ़ रहे होंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो सामान्य प्रवृत्ति है छात्रों की अपवाद तंत्र को देखने की, वो ऐसी होती है कि कोई एक नदी को पकड़ा जाता है, देखा जाता है कि इस नदी का उद्गम स्थान कहां से है, कितने लंबे दूरी तक ये नदी बहती है, यह नदी कौन से सागर में जाकर मिल जाती है, और इस नदी के जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन से हैं, ऊपर से आने वाली या फिर दाएं तट की बाएं तट की नदियां कौन कौन सी हैं, और नदियों का जब पश्चिम से पूर्व जो आप रैंक है या जो सीक्वेंस है उसे भी आप याद करते हैं। और फिर उसके बाद ये भी याद करते हैं कि नदियों के किनारे स्थित अगर कोई प्रमुख स्थान है तो उसे भी आप याद करने की कोशिश करते हैं। तो सामान्य तौर पर अपवाद तंत्र को इसी तरीके से पढ़ा जाता है, प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव आप ये पढ़ रहे होंगे। लेकिन यहां पर जो मैंने प्रश्न लिया है वो थोड़ा सा हटकर है, ये बताने के लिए कि आपको सारी नदियों को सम्मिलित करके भी एक कोर कंसेप्ट निकालकर पढ़ना चाहिए। जैसे कि यहां पर तीनों नदियों को एक साथ लेकर पूछ लिया गया है इनके उद्गम स्थान पर। अगर इन तीनों नदियों का उद्गम स्थान आपको याद होगा तब जाकर कहीं आप ये सही उत्तर का चुनाव कर पाएंगे इस प्रकार के प्रश्नों का। तो ये एक अलग तरीका है, बहुत ही पसंदीदा पैटर्न है, बहुत ही पसंदीदा तरीका है अपवाद तंत्र पर आधारित प्रश्न पूछने का। तो इसे नजरअंदाज आप नहीं करेंगे ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं आपसे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, दक्षिण भारत की नदियों पर आधारित यह प्रश्न है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, कारण बताया गया है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती हैं। अब आपको ये पैटर्न आपको पता होगा, ठीक, एक रिजल्टेंट दिया गया है, एक प्रभाव दिया गया है और प्रभाव के पीछे एक कारण दिया गया है। और अब यहां पर आपको दोनों ही स्टेटमेंट को देखकर सही उत्तर का चुनाव करना है जो कोर्ट में आपको विभिन्न ऑप्शन दिए गए हैं। अब बात यह आती है कि अगर आपने हिमालय की नदी और प्रायद्वीपी भारत की नदियों के मध्य अगर अंतर नहीं पड़ा है तो शायद इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने में आपको थोड़ी परेशानी हो। अगर आप वही ट्रेडिशनल तरीका अपवाद तंत्र को लेकर चल रहे हैं जहां पर आप नदियों की लंबाई, उद्गम स्थान, सहायक नदियां और नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर याद करते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। देखिए, ये प्रश्न उठाया गया है अपवाद तंत्र के उस कंटेंट से जहां पर हम हिमालय की नदियां एवं प्रायद्वीपी भारत के नदियों के मध्य अंतर पड़ते हैं।
जहां पर हम ये देखते हैं कि हिमालय की नदियों को कहा जाता है कि यंग रिवर है, नवीन नदियां हैं, और वहीं प्रायद्वीपी भारत की नदियों की विशेषताओं पर हम देखते हैं कि ये पुरानी नदियां हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रायद्वीपी भारत की नदियां हैं ये मौसमी हैं, अर्थात जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है तो इस दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हुई वर्षा से प्रायद्वीपी की भारत की नदियां जल ग्रहण करती हैं। लेकिन अगर हम हिमालय की नदियों के बारे में बात करें तो हिमालय की नदियां हमें किस प्रकार की नदियां दिखता है, तो हिमालय की नदियां हमें किस प्रकार की नदी दिखती है, बारहमासी नदी दिखती है, सदानीरा नदी दिखती है। तो अंतर पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए देखते हैं, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब बात ये आता है कि क्या आपको पता है डेल्टा का मतलब क्या है, क्या आपको पता है एस्चुरी का मतलब जिसे ज्वार नद मुख कहा जाता है, क्या आपको पता है लगून का मतलब, क्लियर है। अगर ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपके क्लियर नहीं है तो जल्दी से आप इस वीडियो को देखने के बाद ये सारी टर्मिनोलॉजीज को क्लियर कर लें, क्लियर है, क्योंकि ये सारे टर्मिनोलॉजीज याद होने बहुत या याद तो नहीं समझ में होना चाहिए कि ये सारे एक्चुअल में हैं क्या। अब देखते हैं हम डेल्टा की बात, डेल्टा क्या है, तो डेल्टा के बारे में क्योंकि इस प्रश्न पर पूछा गया है तो मैं डेल्टा को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। डेल्टा क्या है, तो डेल्टा नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बना एक स्थल आकृति है। देखिए मान लेते हैं अगर हम भारत का पश्चिमी तट देख रहे हैं, ठीक है, और भारत की प्रायद्वीपी नदियां देख रहे हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी एवं कृष्णा आप कंसीडर कर लें, क्लियर। अब होता क्या है कि अगर आप इन नदियों को देखें तो यह नदियां भारत के पश्चिम भाग से उद्गमित होकर एक लंबे मार्ग को तय करने के बाद अरब बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी पर जाकर क्या करती है, गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। और अपने इतने लंबे जर्नी पे, इतने लंबे सफर पर यह नदियां अलग अलग प्रकार के स्थानों, स्थल आकृतियों और चट्टानों के ऊपर से गुजरती है। तो जहां पर ऐसे चट्टान मिलते हैं जिन्हें ये नदियां तोड़ सकती हैं उन्हें तोड़ लेती हैं नदियां और उन्हें अवसादों के रूप में अपने साथ लेकर आगे बढ़ते रहती है। और सागर में मिलने से पूर्व जब ढाल बहुत ज्यादा कम हो जाता है तब यह निक्षेपों को, इन अवसादों को ये नदियां क्या करती हैं, तटों पर छोड़ देती हैं। और इन निक्षेपों के द्वारा जो स्थल आकृति अस्तित्व में आती है उसी स्थल आकृतियों को डेल्टा कहा जाता है, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे तो। इनके मध्य से नदी का पानी सागर में जाकर मिलता है और ये भाग क्या हो जाएगा, सागर या सी, क्लियर है। तो पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यह स्टेटमेंट सही क्यों होगा, इसके पीछे जो कारण दिया गया है यही इसका सही उत्तर है, सही कारण है। देखिए जब हम पश्चिमी घाट की नदियों की बात करते हैं, देखिए यहां पर पश्चिमी घाट की नदियों के बारे में कहा गया है लेकिन ध्यान रखिएगा उन नदियों के बारे में कहा गया है जो पश्चिमी घाट से ही उद्गमित होती हैं और पश्चिमी घाट में ही प्रवाह करती हैं और पश्चिमी घाट से ही ये फिर अरब सागर में मिल जाती है। सामान्य तौर पर छात्र इस स्टेटमेंट को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका ये मानना होता है कि सर गोदावरी कृष्णा कावेरी भी तो पश्चिमी घाट के भाग की किसी भाग से उद्गमित होती हैं तो यह भी पश्चिमी घाट की नदियां होंगी। ध्यान रखिएगा जब पश्चिम घाट की नदियां कहा जाए तो ऐसी नदियां जिनका उद्गम, प्रवाह क्षेत्र एवं विसर्जन सारे के सारे पश्चिमी घाट में ही हो। अगर हम गोदावरी कृष्णा कावेरी को देखते हैं तो यह पश्चिमी घाट से उद्गमित होती तो जरूर है लेकिन बहुत ही कम समय पर, कम दूरी पर यह पश्चिमी घाट से अलग हो जाती है और यह तो पूर्वी घाट को भी काट कर आगे जाकर बंगाल की खाड़ी पर मिलती है, क्लियर है। तो यहां पर पश्चिमी घाट की नदियों का तात्पर्य उन्हीं नदियों से है जो पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिम की दिशा में बहते हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अब यह डेल्टा इसलिए नहीं बनाती क्योंकि बहुत ही छोटे मार्ग से ये गुजरती हैं, पश्चिमी घाट से ही निकली, पश्चिमी घाट से तो मार्ग बहुत छोटा है, मार्ग बहुत छोटा है तो अपने साथ ये अवसाद ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब अवसाद शायद ये ग्रहण कर भी जाते अगर ये पश्चिमी घाट
कोमल चट्टानों से निर्मित स्थल आकृति होता तो, लेकिन यह प्रायद्वीपी भारत है जिसका निर्माण बहुत पुराने समय में हो चुका है और अब वह अपने मैच्योर फेस पर है, अपने वह परिपक्व स्थिति पर है, और इस कारण से इसके जो चट्टान होंगे वो हिमालय की तरह कोमल नहीं होंगे बल्कि कठोर होंगे, और कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होने वाली नदियों के पास इतना ताकत नहीं होगा कि इन कठोर चट्टानों को वो तोड़ लें और तोड़ने के बाद उनके कणों को अपने साथ लेकर ये आगे बढ़ने लगे। और यही कारण है कि जब ये नदियां क्या करती हैं, पश्चिमी घाट से उद्गमित होती है और पश्चिम में जाकर अरब सागर से मिल जाती है, तो कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होने की वजह से अपने साथ अवसाद लेकर नहीं आती, और अवसाद अगर लेकर नहीं आती तो जाहिर सी बात है डेल्टा का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा के निर्माण के लिए अनिवार्य है कि नदियों के पास अवसाद होने चाहिए। क्लियर है? तो इस प्रकार से कथन और कारण दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। देखिए ये कुछ नदियों को भी आप देख सकते हैं यहां पर, पश्चिमी घाट की नदियां, जैसे गोवा में बहने वाली ये जुवारी नदी, अगर मैं इसे जूम कर दूं तो थोड़ा और क्लियर आपको दिखेगा, ठीक है, एवं मांडवी नदी, काली नदी, शरावती नदी, क्लियर है? ये सारे जो नदियां हैं ये कैसी नदियां हैं? तो यह पश्चिमी घाट की ही नदी है। आप मार्ग इनका देख ही पा रहे होंगे, मार्ग बहुत छोटा है, ठीक है, मार्ग कैसा है? छोटा मार्ग है इनका। तीसरा, जो चट्टान है वो कैसा है? कठोर है, और इन कारणों से हमें डेल्टा का निर्माण यहां नहीं होता हुआ दिखेगा, लेकिन यहां पर एस्चुरी का निर्माण होता है। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते क्यों नहीं कि डेल्टा, लगून, एस्चुरी, इनके बीच क्या अंतर है। आप ये भी करिए कि बे और गल्फ में क्या अंतर है। तो टू वे कम्युनिकेशन होगा जब यहां पर दिखेगा कि हाँ आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी दिए गए इंस्ट्रक्शंस को सुन रहे हैं और उसे फॉलो कर रहे हैं, तब हमारी ऊर्जा में भी आपको एक अलग प्रभाव दिखेगा, एक अलग बेंचमार्क दिखेगा, एक अलग स्टैंडर्ड दिखेगा। क्लियर है? तो चलिए टू वे कम्युनिकेशन में तब्दील करने के लिए छोटा सा प्रयास आप करके दिखाइए तो मुझे भी मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिए दो सूची दी गई है, दो कॉलम है यहां पर, एक तरफ दुआबों के नाम लिखे हुए हैं और एक तरफ उन नदियों के नाम लिखे हुए हैं जिनके मध्य दुआब होते हैं। दुआब से आप क्या समझते हैं? दो नदियों के मध्य भूमि को दुआब कहा जाता है और सामान्य तौर पर ये जो काफी विस्तृत तौर पर दुआब हमें सिंधु नदी एवं सिंधु नदी के सहायक नदियों के मध्य देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पर आपको चुनना है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम नदियों के मध्य दुआबों की सूची यहां पर देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए ब्यास एवं सतलज के बीच 20 दुआब होगा। जो नदियों का नाम होता है उन नाम का जो सबसे पहला इनिशियल लेटर होगा, अक्षर होगा, उसी अक्षर के आधार पर दुआबों के नाम रख दिए जाते हैं। जैसे ब्यास का आप ब ले ले और सतलज का स ले ले, दोनों को जोड़कर बिस्त दुआब बना दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर आप इस बिस्त दुआब को देख पा रहे होंगे, दक्षिण में बह रही है सतलज नदी और उसके उत्तर पर यह बह रही है ब्यास नदी। क्लियर है? ब्यास एवं रावी, अब यहां पर ब्यास नदी आपने देख लिया, ब्यास के उत्तर पर आपको रावी नदी बहते हुए दिखेगी, तो ब्यास एवं रावी नदी के मध्य आपको बारी दुआब दिखेगा, ठीक है, रावी एवं चिनाब के मध्य रचना दुआब, ये रावी नदी, इसके ऊपर ये चिनाब नदी आपको दिख रही होगी, तो रचना दुआब या रचना दुआब कहा जाता है। चिनाब एवं झेलम के बीच चाज दुआब होगा, ये चाज या जेच दुआब, एवं झेलम चिनाब
एवं सिंधु के मध्य जो दुआब होगा वो सिंधु सागर दुआब होगा। चलिए प्रश्न पर हम आते हैं, बिस्त दुआब किसके किसके मध्य होगा, तो ब्यास एवं सतलज के मध्य होगा। क्लियर है, तो ए का क्या हो गया 3। तो आप यही देखकर सही उत्तर चुन सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक दुआब के बारे में पता है कि वह किन नदियों के मध्य है तो आप सही उत्तर की ओर जा सकते हैं, ऑप्शन ए। क्लियर है, क्योंकि ए में 3 और किसी ऑप्शन पर नहीं दिया गया है। बारी दुआब किनके किनके मध्य होगा, तो ब्यास एवं रावी, तो ब्यास एवं रावी, तो बी का क्या हो जाएगा 2। क्लियर है, ये बी का हो गया। रचना दुआब किसके किसके बीच है, तो रावी एवं चिनाब नदी के, तो सी का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1 में क्या आप जोड़ लेंगे सी। क्लियर है, और डी चार्ज दुआब, तो चिनाब एवं झेलम नदी के मध्य। क्लियर है, तो दुआबों पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग करके हमने सभी दुआबों को एक साथ पढ़ने का, एक्सप्लेन करने का प्रयास कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। ध्यान रखिएगा इस शब्द पर, भूमि बंधित, जो भूमि में ही बंध गई हो, ऐसी नदी जो भूमि में ही बंध गई हो, कहने का तात्पर्य कि वह सागर तक नहीं पहुंची हो, इसे इनलैंड रिवर भी कहा जाता है। ऐसी नदियां जो भूमि से उद्गमित होती हैं और भूमि में ही समाप्त हो जाती हैं, अर्थात किसी सागर में जाकर नहीं मिल पाती, ऐसी नदियों को भूमि बंधित नदी कहा जाता है। और भारत के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ी नदी भूमि नदी, भूमि बंधित नदी का उदाहरण पेश करती है, वह नदी कौन सी है, तो वह है लूनी नदी, जिसका उद्गम राजस्थान के अरावली से, एवं जिसका जो सूखना हुआ, जो इसका अंतिम पोजीशन हुआ, वह कच्छ के रण गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इमेज पर हम लूनी नदी को देखने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, ये रही लूनी नदी, ये लूनी नदी है, ये जो रीजन है ये रन ऑफ कच्छ है या कच्छ का रन है। ये उद्गमित कहां से होती है लूनी नदी, तो यह अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है। क्लियर है, अरब की सागर की ओर बढ़ने का प्रयास करती है, लेकिन अरब के सागर तक ये नहीं पहुंच पाती, कच्छ के रण में ही ये समाप्त हो जाती है या विलुप्त हो जाती है, और इसलिए लूनी नदी को भूमि बंधित नदी कहा जाता है। क्लियर है, चलिए तो सही उत्तर ऑब्वियसली ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो लूनी नदी है, इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये सागर तक नहीं पहुंच पाई। देखिए, सामान्य तौर पर हर एक नदी का ये ख्वाब होता है, हर एक नदी की इच्छा होती है कि सागर में जाकर मिल जाए, इसलिए उद्गमित होने के बाद कई ऐसी नदियां हैं जो उद्गमित होने के बाद लंबा मार्ग तय करती हैं, जंगलों के बीच से गुजरती है, पहाड़ों को काटती हैं, और ये भरपूर प्रयास करती हैं कि सागर में जाकर मिल जाए। अगर वह स्वयं नहीं पहुंच पाती तो किसी बड़ी नदी को सहारा ले लेती हैं, बड़ी नदी में अपना जल छोड़ देती हैं और उसके बाद सागर में जाकर मिल जाती है। लेकिन लूनी नदी का ये ख्वाब, लूनी नदी की ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती। इसके पीछे कारण क्यों, क्योंकि इसका उद्गम और प्रवाह क्षेत्र जो है वो राजस्थान में है, और यह भारत का वह क्षेत्र है जहां पर आप भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल देखते हैं। भारत का यह वह क्षेत्र है जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत कम है। भारत का यह वह क्षेत्र है जहां पर वनस्पति भी हमें बहुत कटीली प्रकार की देखने को मिलती है, जो बहुत ही कम जल के होने से भी विकसित हो सकती है। क्लियर है, तो जल की मात्रा कम हो जाने की वजह से, वर्षण की मात्रा कम हो जाने की वजह से, यह लूनी नदी के पास इतने बड़ी मात्रा पे जल मात्रा नहीं हो पाती, जिस जल मात्रा की ताकत की सहायता से ये अरब सागर तक पहुंच पाती। क्लियर है, इसलिए ये रन ऑफ कच्छ या कच्छ के रन में ही समाहित हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और अगले प्रश्न पर बात करते हैं, ये बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जिसमें नदियों के उद्गम स्थान पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरफ हमें उद्गम स्थल दे दिए गए हैं
और तीसरे दूसरे तरफ वो नदियां दे दी गई हैं जो इन उद्गम स्थल से उद्गमित होने वाली है। तो देखिए ब्रह्मगिरी इससे उद्गमित होने वाली नदी कौन सी है, तो ये आप लोग को क्लियर होगा, ठीक इसके सामने कावेरी नदी। वेरीनाग, सोता या झरना, ये आपको झेलम नदी का उद्गम स्थान के रूप में आपने इसे पढ़ा होगा। जब आप श्रीनगर के समीप देखेंगे पीर पंजाल के गिरिपथ पर, तब वेरीनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। क्लियर है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी और छोटा नागपुर के पठार से सुवर्ण रेखा नदी निकलती है, और इसी छोटा नागपुर पठार से एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी दामोदर नदी भी निकलती है। अब आपको ये बताना है कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, कहां पर पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है, इस पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें ये सारी चीजें दी गई। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चिल्का, ध्यान रखिएगा ये गलत है, फॉ लिखा हुआ है लेकिन है क्या चिल्का झील, जहां स्थित है वह है। देखिए चिल्का झील, ठीक है, सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है, खारे पानी का झील। देखिए जब हम लेक की बात करते हैं या झील की बात करते हैं, तो झील सामान्य तौर पर नमक की कंसंट्रेशन पर आधारित या नमक की कंसंट्रेशन पर बेस्ड दो भागों पर वर्गीकृत होता है। एक होता है फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक मीठे पानी का झील, और एक होता है सॉल्ट वाटर लेक। क्लियर है। जो फ्रेश वाटर लेक होगा उसमें आप देखेंगे कि नमक या सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वह कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, इसलिए नमक का स्वाद आपके मुंह में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए उसे क्या कह दिया जाता है, मीठे पानी का झील। लेकिन सॉल्ट वाटर लेक जब आप कह रहे हैं, तो इस प्रकार के झीलों में जो नमक का कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा होता है, तो पानी जब भी आप पियेंगे इन झीलों का आपको नमकीन लगेगा। अब ये नमक का कंसंट्रेशन ज्यादा क्यों हो सकता है, इसके पीछे दो कारण होते हैं, ठीक है। एक कारण, या तो यह झील तटों पर होगा और तट में होने की वजह से जो सागर का पानी है वह चला आता होगा, और सागर का पानी क्या होता है, नमकीन होता है, जिसके प्रभाव से यह झील भी नमकीन हो जाएगा। और इस प्रकार के झील कौन है, तो यह है छिलका झील। क्लियर। एक कारण होता है सॉल्ट वाटर लेक फॉर्मेशन के पीछे, वह होता है जब वर्षण किसी भी स्थान में कम होगा, किससे, इवेपोरेशन से या वाष्पीकरण से, इवेपोरेशन मैंने लिख दिया वाष्पीकरण से। क्लियर है। अर्थात मान लेते हैं कि किसी एक स्थान पर आप हैं और यहां पर यह लेक है और इस लेक में क्या है, आप पानी देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या देखा कि पानी के साथ साथ में नमक भी है, तो मान लेते हैं कि 10 लीटर पानी में 500 ग्राम आपने नमक देखा। क्लियर है। अब इवेपोरेशन ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, नमक तो भाप बनकर के उड़ेगा नहीं, उड़ेगा कौन, पानी उड़ेगा। तब एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है और वर्षण कम है, वाष्पीकरण ज्यादा है, तो यह 10 लीटर का पानी 10 लीटर का ना रहकर क्या हो जाए, 5 लीटर का रह जाए। लेकिन नमक की जो मात्रा पहले थी वो नमक की मात्रा अभी भी क्या है, उतनी है। तो 10 लीटर में हो सकता है 5 ग्राम नमक की मात्रा से आपके स्वाद में, पानी के स्वाद में बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े, लेकिन 5 लीटर पानी में 500 ग्राम नमक का प्रभाव पड़ेगा जरूर। क्लियर है। तो यह चीज आपको समझाने के लिए हमने इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया। और इस तरीके के झील सामान्य तौर पर हमें राजस्थान वाले इलाके पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि सांभर झील। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर खोजते हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो उसके लिए हम इस इमेज का इस्तेमाल करते हैं, और यह इमेज बताएगा
छिलका झील स्थित है उत्तरी सरकार तट पर, और आपको सही उत्तर के तौर पर चुनना किसे है, ऑप्शन डी। क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। अगला प्रश्न जो होगा वो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं पर आधारित होगा। सबसे पहले नर्मदा घाटी परियोजना। क्लियर? देखिए नर्मदा नदी पर बहुत सारे परियोजनाएं चलाए जा रहे हैं, जैसे कि उनके अगर आप नाम देखें तो कौन कौन से हैं, तो नर्मदा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना जो कि है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, माहेश्वर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। क्लियर है? ये सरदार सरोवर परियोजना पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न कहता है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। तो देखिए इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों के नाम है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। पैटर्न पहचानने वाली बात है, पैटर्न आप पहचानेंगे परियोजनाओं को लेकर कि भाई ये कौन से राज्यों को लाभ देंगे, किन नदियों पर यह परियोजना बनाई गई है। ठीक है, साथ ही साथ अगर कुछ अंतरराष्ट्रीय या कुछ विशेष प्रकार के योजनाओं के तहत अगर कोई राशि उन्हें आवंटित की जा रही है तो उसे भी आप ध्यान में रखेंगे। योजनाओं को, परियोजनाओं को नर्मदा घाटी परियोजना की तरह ही बाकी नदी परियोजनाओं को भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नंगल। देखिए इसके रिलेटेड हम कंटेंट पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है, पंजाब में सतलज नदी के पानी को रोककर दो बांध बनाए गए हैं, एक भाखड़ा जो कि स्थित है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा बांध है नांगल में जो कि स्थित है पंजाब में, और इसे ही संयुक्त रूप से भाखड़ा नंगल बांध कहते हैं। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश में और ये नांगल बांध है ये पंजाब में, और ये नदी आप देख रहे हैं कौन सी, सतलज नदी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नंगल बांध के पीछे जिस जलाशय का निर्माण हुआ है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। याद रखिएगा जब बांध बनाया गया तो पानी जो रुका, जो रिजर्वायर बना, उसे क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है, गोविंद सागर झील। भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ध्यान रखिएगा। अब योजनाओं पर बात करते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना तीन राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। मन में सवाल अब आ रहा होगा कि सर हिमाचल प्रदेश जहां पर भाखड़ा डैम है, तो देखिए कमांड एरिया हिमाचल प्रदेश में जरूर है। क्लियर है, लेकिन जब हम इस परियोजना को देखते हैं कि किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है तब वह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ही है, हालांकि जो कमांड एरिया भाखड़ा डैम का वह हिमाचल प्रदेश पर ही स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। दामोदर घाटी परियोजना पर मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो इन सारे बांधों को एक बार हम देख लेते हैं, अब तो आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। दामोदर नदी कौन कौन से, देखिए बल पहाड़ी, थिलैया और मैथान किस नदी पर बनाए गए हैं, ये रही दामोदर नदी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, दामोदर नदी। क्लियर है, तो इस प्रकार से इस वीडियो पे इतने ही प्रश्नों को हम डील करते हैं और अन्य टॉपिक पर क्वेश्चन अगले वीडियो पर आपको जरूर मिल जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।